बहुत पुरानी बात है। एक गांव में धनी राम नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक ज्वेलरी की दुकान थी, लेकिन वो बड़ा ही घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति था। उसने अपनी दुकान में एक नौकर रखा हुआ था, जो उसी के घर में रहता भी था। उसका नाम था रामू। रामू बड़ा ही सीधा साधा था, और अगर गलती से रामू से कोई गलती हो जाती तो धनी राम उसे बहुत डांटता था। एक दिन रामू से गलती से दुकान में सफाई करते हुए सोने की मूर्ति गिर जाती है और टूट जाती है। मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता भी है कि ये मूर्ति कितनी महंगी है, और तूने इसे एक झटके में तोड़ दिया। आज तो तूने हद पार कर दी। निकल जा मेरी दुकान से और कभी मत आना यहाँ। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। रामू धनी राम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी राम ने उसकी एक न सुनी और धक्के मार के अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। रामू के पास अब तो न रहने के लिए घर था और न ही खाने के लिए पैसे, तो वो एक मंदिर की सीढ़ियों पर भूखे पेट सोते हुए कई रातें गुजार देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक दिन ऐसे ही रोते हुए वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे भी अपने सेठ जैसा अमीर आदमी बनना था, लेकिन अब तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मेरी मदद कीजिए भगवान। भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। पास ही में से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। रामू को रोता हुआ देख वो उसके पास आते हैं। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बाबा जी, मुझे मेरे सेठ ने काम से निकाल दिया। अब ना तो मेरे पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए पैसे। चलो रो मत बेटा, ये ले आईना। ये एक जादुई आईना है। ये आईना पत्थर को सोने में बदल देता है। अगर तू इस आईने के सामने पत्थर रखेगा तो वो पत्थर एक सोने में बदल जाएगा। रामू हाथ जोड़ते हुए बाबा को कहता है, क्या ऐसा सच में होगा बाबा जी? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर तेरे अलावा किसी लालची इंसान ने ये आईने का इस्तेमाल किया तो ये आईना उसी वक्त उसी इंसान को एक पत्थर में बदल देगा। बस फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। साधु के जाते ही रामू उस आईने को इस्तेमाल करता है। वो जैसे ही आईने के सामने एक पत्थर रखता है, उसके तुरंत बाद ही वो पत्थर एक सोने में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो ऐसा रोज रोज करने लगा। पत्थर सोने में बदलने के बाद वो उसे बेच देता था। सोना बेच बेच के उसने अपनी एक ज्वेलरी की दुकान खोल ली और अपने लिए घर भी खरीद लिया। उसकी तरक्की की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी, और धीरे धीरे सेठ धनी राम के ग्राहक भी रामू की दुकान पर जाने लगे। धनी राम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके ग्राहक क्यों कम होने लगे थे। उसे अब तक रामू के बारे में पता ही नहीं था। तभी एक दिन उसे गांव का एक आदमी आकर ये बात बताता है। अरे धनी राम जी, आपको पता है आपके नौकर रामू ने तो आपसे बड़ी ज्वेलरी की दुकान खोल ली है, और मैंने तो सुना है उसने एक बड़ा घर भी ले लिया है। लगता है उसकी तो लॉटरी लग गई है। ये सुनकर धनी राम सोच में पड़ जाता है। अच्छा, अब समझ आया मेरे ग्राहक इतने कम क्यों हो रहे हैं। लेकिन रामू के पास इतना पैसा कहां से आया? बस तब से धनी राम रामू पर नजर रखने लग गया। एक दिन धनी राम रामू को आईने से पत्थर को सोने में बदलता देख लेता है। ये देखते ही वो चौंक जाता है।
अच्छा, अब समझ आया रामू इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ। अगर ये आईना मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू कभी आईने को अपने से दूर नहीं रखता था, मगर जब वो गरीबों को पैसे और कपड़े बांटने जाता था तो वो आईने को अपने घर में छोड़ जाता था। सेठ धनी राम ने इस बात का फायदा उठा लिया और रामू के जाते ही धनी राम उसके घर में घुस जाता है। आईने को घर में इधर उधर ढूंढने लगता है और वो जैसे ही रामू की अलमारी खोलता है उसे वो जादुई आईना दिख जाता है। और वो जैसे ही जादुई आईने का इस्तेमाल करता है तो वो खुद ही एक पत्थर में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं एक पत्थर में कैसे बदल गया? मैंने ये क्या कर दिया? और थोड़ी देर बाद ही रामू वहाँ आ जाता है। तभी धनी राम रामू को मदद के लिए कहता है। रामू मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू मुझे बचा लो। रामू को धनी राम की ये बात सुनकर अपने पुराने हालातों की याद आ जाती है, फिर भी वो धनी राम की मदद करता है। मंदिर के पास उस साधु के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है। रामू साधु को लेकर अपने घर आ जाता है। ये सब इसके लालच की वजह से हुआ है। इसे अब अपनी सारी जायदाद गरीबों के नाम करनी होगी और हमेशा गरीबों की सेवा करनी होगी। धनी राम हाथ जोड़ते हुए बाबा को कहता है। बाबा जी मुझे सब मंजूर है, बस मुझे ठीक कर दो बाबा जी। साधु धनी राम को ठीक कर देता है। धनी राम को अपनी गलती का दंड मिल गया था और उसे इस चीज का पछतावा भी था। बस तब से वो रामू के साथ मिलकर गरीबों की मदद करने लग गया। कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी पत्नी शीला के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर फोड़ने का कठिन काम करते और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन सुबह जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे तब शीला गोपी से कहने लगी। आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे कुछ नहीं, नाइट शिफ्ट का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर फोड़ने लगे। अचानक पत्थर फोड़ते फोड़ते शीला गिर पड़ी। गोपी शीला की तरफ भागा, पानी पिलाकर शीला को होश में लाया गया। शीला के होश में आते ही ठेकेदार बोला, भाई गोपी इसे अस्पताल ले जा, ये ले पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल आया। शीला का चेकअप करके डॉक्टर बोली, खून की कमी की वजह से ही कमजोर है, फौरन खून चढ़ाना होगा। मैडम खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा इलाज है मार्केट में? खून नहीं चढ़ाना चाहते तो इन्हें रोज टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे चल रहे हैं मार्केट में। वो आप देख लो, मैंने अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर ढूंढने निकल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं और पैसे नहीं तो टमाटर नहीं, टमाटर के साथ साथ किसान भी भाव खाएंगे। चलते चलते गोपी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर साहूकार के घर के सामने खड़े एक कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान में एक सड़ा हुआ टमाटर था। किसी से भीख मांगने से अच्छा इस टमाटर का बीज निकाल कर बो देता हूँ, देर लगेगी लेकिन अपने खुद के टमाटर मिलेंगे।
गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लाया और टमाटर का बीज घर के सामने डालकर सो गया। आधी रात में अचानक जमीन थरथराई और गोपी शीला की नींद टूट गई। लगता है भूकंप आया है। नहीं, भूकंप नहीं, खदान में ब्लास्ट हुआ है शायद। सो जाओ। सुबह हो गई। गोपी घर से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि घर के सामने एक विशाल टमाटर खड़ा था जो किसी पहाड़ जैसा था। गोपी को आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए शीला को बुलाया। शीला बाहर आई तो वो भी टमाटर देखकर दंग रह गई। कल ही बीज बोया था और आज इतना बड़ा टमाटर। कुछ समझी शीला? रात को ना भूकंप आया था ना खदान में ब्लास्ट हुआ था। जमीन थरथराई थी क्योंकि ये टमाटर गिरा था। देखते देखते खबर पूरे अजमनगर में फैल गई और विशाल टमाटर देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर काटने लगा तो हाथ का छुरा ही कट गया। बाप रे बाप, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब जूस कैसे निकालेंगे? तभी ठेकेदार वहां आ पहुंचा। टमाटर देखकर ठेकेदार भी दंग रह गया। मालिक, आज हम काम पर नहीं आ सकते, हमें टमाटर का जूस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हाल पूछने आया था, लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी ही हालत खराब हो गई। तुमने टमाटर का जूस निकाला कि नहीं? कैसे निकालूं मालिक, टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं बनेगा, मैं खदान से बोरवेल मशीन, कुछ टैंकर्स और वाटर पंप मंगाता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा जूस टैंकर में भर देंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फटाफट फोन घुमाए और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर को ड्रिल किया गया। फिर टमाटर के होल में वाटर पंप डाला गया और पाइप टैंकर्स में छोड़ा गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा जूस टैंकर्स में गिरने लगा। देखते देखते 20 टैंकर्स फुल हो गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर्स जूस निकाला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो भी एक टैंकर खत्म ना करें, फिर 20 टैंकर्स जूस का क्या करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के कुछ अफसर वहां आए और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है, उसके लिए टमाटर जूस चाहिए। हम आपके सारे टैंकर्स खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी, 20 टैंकर्स के ये कितने पैसे दे रहे हैं? पूरे 5 करोड़। आंकड़ा सुनते ही शीला और गोपी का सर चकरा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा जूस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो सर, जितना चाहे उतना जूस रख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने गोपी और शीला को 5 करोड़ का चेक थमाया। इस प्रकार विशाल टमाटर के जूस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी रसीली और रंगीन बना दी।